हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई नर्सिंग केयर प्लान, जो कि रहने वाला टेटनेस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस बताने हैं, थोड़ी इसमें कन्फ्यूज़न है, उसको मैं क्लियर आउट कर देती हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो सबसे पहले आप बनाओगे इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस related to accumulation of the secretion result of damage to the muscles of swallowing, ठीक है। सेकेंड आपने ये बनाना है जो फोर्थ नंबर पे है, acute pain related to uncontrolled muscle spasm and involuntary muscle contraction। थर्ड आपने जो है जो बनाना है नर्सिंग डायग्नोज, वो एक्टिविटी इंटॉलरेंस का बनाओगे, ठीक है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरल बॉडी वीकनेस। फोर्थ आपने इम्बेलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस एंड लेस इनटेक। और फिफ्थ आपने बनाना है रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, इम्पेयर्ड स्वेलोइंग डिसऑर्डर। और सिक्स आप बनाओगे नॉलेज डेफिशिएट अबाउट द डिजीज एंड द ट्रीटमेंट रिलेटेड टू होम मैनेजमेंट डिजीज। तो आपको आई होप समझ आया होगा, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, आप इसको खुद अरेंज कर लेना, क्योंकि हमेशा ही नर्सिंग डायग्नोज प्रायोरिटी वाइज बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट हम बनाएंगे इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू और ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन रिजल्ट ऑफ डैमेज टू मसल ऑफ स्वेलोइंग। इसमें सब्जेक्टिव डाटा यहाँ पे लिख लेना, द पेशेंट सेड दैट ही कैन नॉट ब्रेथ प्रॉपरली, हैवी चेस्ट, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव डाटा बना देना, ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज रेस्टलेस, फीलिंग ब्रेथलेसनेस, डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेटेड। इसका गोल है टू इम्प्रूव द ब्रीथिंग पैटर्न। प्लानिंग करोगे आप लोग, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, असेस क्यों करना है, रैशनल के साथ में रीज़न दोगे टू मेंटेन कंफर्ट स्टेटस ऑफ पेशेंट, असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे थर्ड है हमारा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज फीडबैक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी एंड पेशेंट पोजिशनिंग। द एम ऑफ दोज टेक्निक इज़ टू लेसन द स्ट्रेस टेंशन, सब्सिक्वेंटली डिक्रीजिंग द पेन। और नेक्स्ट है हमारा प्लेस द पेशेंट विद प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर मैक्सिमम ब्रीदिंग पैटर्न। वाई, इसका रैशनल है सिटिंग पोजिशन परमिट्स मैक्सिमम लॉन्ग एक्सकर्शन एंड चेस्ट एक्सपेंशन। और इसका इवेल्युएशन क्या लिखोगे, ब्रीदिंग पैटर्न इज इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट। सेकेंड डायग्नोज है इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए आप बनाना है, तो इसका सब्जेक्टिव लिखोगे द पेशेंट सेड दैट ही इज़ नॉट फीलिंग हंगरी एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज़ हैविंग वीकनेस एंड लॉस ऑफ वेट एंड इम्प्रूव इनटेक ऑफ फूड बाय इनटेक आउटपुट चार्ट। इसका गोल बनाओगे टू मेंटेन द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। प्लानिंग और रैशनल देखना, फर्स्ट एस इज द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, रैशनल होगा फॉर कलेक्टिंग बेसलाइन डाटा ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट है मॉनिटर बॉडी वेट यूजिंग द स्टैंडर्ड वेइंग स्केल टू गेट द एक्चुअल वेट एंड टू डिटरमाइन इफ द पेशेंट वेट मीट्स द नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स। थर्ड, एनकरेज द पेशेंट टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट फॉर मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है एनकरेज पेशेंट टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड जूसेज टू स्टिमुलेट द एपेटाइट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, प्रोवाइड adequate rest to the patient for improving the health status of the patient. Evaluation में nutrition status of the patient is maintained at some extent. Next हम activity tolerance के regarding बनाएंगे related general body weakness। और अभी तक channel को subscribe नहीं किया करना, और अपने friends के साथ भी share करना ताकि उन्हें भी help हो सके। Subjective data, the patient said that he is feeling weak, insufficient sleep and pain. Objective, observe that the patient person is unable to perform basic एक्टिविटी, ऑल्सो एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट लेवल। और इसका गोल टू मेंटेन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। प्लानिंग और रैशनल देखना, असेस द फिजिकल एक्टिविटी लेवल एंड मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट, प्रोवाइड बेसलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग द नर्सिंग गोल्स ड्यूरिंग गोल सेटिंग, इस्टाब्लिश गाइडलाइंस एंड गोल्स ऑफ एक्टिविटी विद द पेशेंट एंड ऑल्सो motivation and cooperation are enhanced if the patient participates in goal setting. Encourage verbalization of feelings regarding limitation, this help the patient to cope. Encourage the physical activity consistent with the patient energy level, help to promote a sense of autonomy while being realistic. Aur evaluation kya rahegi iski, health status is maintained at some extent. Fourth, diagnose risk for aspiration ke liye banaoge.
तो इसका सब्जेक्टिव होगा, इसमें कोई डाटा नहीं है क्योंकि रिस्क का है ना, तो रिस्क में कोई ज़रूरत नहीं होती लिखने के, और ऑब्जेक्टिव में भी नो डाटा। ठीक है, इसका गोल टू इम्प्रूव द कॉन्शियस लेवल एंड इम्पेयर स्वेलोइंग, तो इसका हमारा प्लानिंग क्या होगी, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, रैशनल टू प्रोवाइड बेसलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग गोल ड्यूरिंग गोल सेटिंग, और इसका सेकंड है बिफोर मील टाइम प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट रेस्ट पीरियड्स, एंड इसका हमारा रहेगा फैटीग कैन फर्दर एड टू स्वेलोइंग इम्पेयरमेंट, एलिमिनेट एनी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, द पेशेंट कैन मोर कंसंट्रेट व्हेन एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर रिमूव्ड, प्रोवाइड ओरल केयर बिफोर फीडिंग, क्लीन एंड इंसर्ट डेंचर बिफोर डेंचर्स बिफोर ईच मील, ऑप्टिमल ओरल केयर प्रमोट्स एपेटाइट एंड ईटिंग, इफ पेशेंट हैज इम्पेयर स्वेलोइंग कंसल्ट अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट फॉर बेड साइड इवेल्युएशन एज सून एज पॉसिबल, अर्ली रेफर ऑफ सीवीए पेशेंट टू अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट अलॉन्ग विद अर्ली इरिटेशन ऑफ न्यूट्रिशन स्पोर्ट, रिड्यूस लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन स्टे एंड द रिड्यूस ओवर ऑल हेल्थ कॉस्ट, और इसका हमारे वैल्यूएशन कंडीशन इज इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट। फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट डायग्नोज एक्यूट पेन के लिए, सब्जेक्टिव द पेशेंट सेड दैट ही इज़ फीलिंग पेन इन माउथ एंड स्वेलोइंग स्वॉलन जॉस, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व बाई फेशियल एक्सप्रेशन स्लाइटली इरिटेटेड विद द ट्राइसम ट्रेसमस, नोट्स बाय यूजिंग पेन रेट स्केल, गोल टू रिलीव द पेन ऑफ द पेशेंट, प्लानिंग क्या करनी है, असेस जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट टू मेंटेन कंफर्ट स्टेटस ऑफ पेशेंट, मॉनिटर वाइटल साइंस, देयर आर यूजुअली अल्टर व्हेन वन इज पेन, एंड ऑफर अदर कंफर्टेबल मेयर बैक रब, दीज में सर्व एज नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेज इन पेन मैनेजमेंट, प्रोवाइड अ पीसफुल एंड काम इन्वायरमेंट, स्टिमुलाई ऑफन ट्रिगर पेन, एडमिनिस्टर नार्जेसिक्स एंड पेन मेडिकेशन एज ऑर्डर टू रिलीव पेन, वैल्यूएशन में पेन इज रिड्यूस टू सम एक्सटेंट। लास्ट अब नॉलेज डेफिशिएट का बना दोगे, सब्जेक्टिव में क्या लिखोगे डाटा में, द पेशेंट सेड दैट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, लैक ऑफ रिकॉल, लैक ऑफ एक्सपोजर, ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखोगे द नर्स ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन लर्निंग, एग्जेग्रेटेड बिहेवियर, इनकरेक्ट टास्क परफॉर्मेंस, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, गोल टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द पेशेंट, प्लानिंग असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट टू मेंटेन कंफर्टेबल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, रैशनल है, ग्रेट काम, ग्रांट ए काम एंड पीसफुल इन्वायरमेंट विदाउट इंटरप्रिटेशन, काम इन्वायरमेंट अलाउ द पेशेंट टू कंसंट्रेट एंड फोकस मोर कम्प्लीटली, अलाउ द पेशेंट टू ओपन अप अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड हेल्थ टीचिंग और ओल्डर पेशेंट, ऑफर शेयर लाइफ एक्सपीरियंस टू ईच लर्निंग सेशन, दे लर्न बेस्ट व्हेन टीचिंग विल्ड एंड प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपका ये सारा रहेगा, आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो इसका इवैल्यूएशन भी देख लीजिएगा, नॉलेज इज इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। तो मिलते हैं अलग वीडियो में, और अगला टॉपिक किसके ऊपर बनाऊँ, कौन से हेल्थ और कौन सा नर्सिंग केयर प्लान बनाऊँ, कमेंट में बताना। बाय बाय।